चंद्रमा के नमूने लाने वाला तीसरा देश बन गया है। जी हाँ, इससे पहले अमेरिका के अपोलो और सोवियत संघ के लूना चंद्राभियान चांद से नमूने लेकर आए थे। आपको बता दें कि चीन का चांग-E5 यान चंद्रमा की सतह से पत्थर और मिट्टी के नमूने लेकर पृथ्वी पर लौटा है। बताया जा रहा है कि इसके जरिए चंद्रमा की सतह और अतीत के बारे में नई जानकारियां मिल सकेंगी। इसके साथ ही चीन अंतरिक्ष में लगातार अपनी क्षमता बढ़ाता जा रहा है। चीन इसे बड़ी उपलब्धि के तौर पर मान रहा है। आपको बता दें कि इस तरह का प्रयास करीब 45 वर्षों में पहली बार किया गया है। समाचार सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इस कार्य से जुड़े व्यक्ति बियान हॉन्चेंग के हवाले से बताया गया था कि आकार में छोटा होने, अंधेरा और भारी बर्फ से ढका होने के कारण इस यान के धरती पर आने की प्रक्रिया काफी जटिल है। आपको बता दें कि 1 दिसंबर को चीन के चांग-E5 यान को चांद की सतह पर उतारा गया था। DID न्यूज की खास रिपोर्ट। DID में खबरें अब तक, इंतजार कीजिए शाम तक।